हाँ बाबू। माँ मैं एक साल पहले आपको मैंने सपनों में देखा, जनवरी के महीने में। वैसे ये बच्चा वही है भाई जो सुबह कीर्तन कर रहा था आगरा से। मैं हाँ भजन वो 12 तारीख 12 जनवरी को मैंने आपको सपने में देखा। आप लाल साड़ी पहनी हुई थी और लाल लहंगा पहनी हुई थी और आपके ऐसे बाल नहीं थे, आपके घुंघरालू बाल थे। ओ बंगाली लुक में दिखी हूँ, जमीन तक बाल थी और आप हाँ। फूलों से दुर्गा माँ दिखी है, बंगाल की दुर्गा माँ जो दुर्गा पूजा होती है बंगाल में। और आपने मुझे ऐसे उठाया उठ और मैं तुझे मार्च के महीने बुलाऊंगी और क्या कहते मैं तुझे गद्दी दूंगी। तो मार्च के महीने में 13 तारीख को मेरी बेंगलोर में जॉब लग गई थी। बस साचे दरबार की जय। फिर क्या कहते मैं जॉब करने गया, जॉब करके फिर मैंने कहा माँ ने मुझसे कही थी तुझे मार्च में बुलाऊंगी, पर मैं जॉब करने चला गया। माँ तो झूठी है और माँ बुलाया नहीं, माँ झूठी है। ये नहीं पता हराम खोर तेरे को नौकरी चढ़ा दिया उधर, फिर या तो इधर आता है उधर। तना मम्मी को झूठी बोलो मेरे को भी, फिर क्या हुआ तेरे साथ? फिर आपने आपकी ही कृपा से आपने आदेश किया कि तू जाए यहाँ से। लॉकडाउन लगने वाला था 22 मार्च को, मैंने तत्काल फ्लाइट करवाई आगरा के लिए, फिर मैं बैठ के आ गया। अब जैसे ही मैं आगरा आया 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये सब आपकी ही इच्छा थी। फिर कुछ नहीं, फिर दोबारा जॉब करने गया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती आपने मुझे बुलाया है, ना मैंने एक पैसा खर्च किया आपके दरबार आने के लिए, मेरा दोस्त मुझे लेके आया है और आपने ये कही थी मार्च के महीने में ही बुलाऊंगी और तुझे गद्दी दूंगी। तो देख ले ये मार्च का दो लग गया ना बाबू, दूसरा दिन है मार्च। महारानी के तूने तो मैया को कहता है मैया तो झूठी है ना, ये नहीं कि नौकरी लगवा दिया। और जो मार बंगाल की दुर्गा दिखी है तुझे मेरे रूप में, जिसकी मैं दीवानी हूँ, जिसकी मैं भक्ति करती हूँ, माँ दुर्गे जिसको दुर्गे भी बोलते हैं, जिसको काली भी बोलते हैं, जिसकी बंगाल में ही पूजा होती है दुर्गा माँ। आपकी कृपा से मेरी 3 बार नौकरी लग गई, 3 बार छूट गई, बस आप यही संकेत करना चाहती हो कि तू जागरण कर। हाँ यहाँ भी तो बुलाना था, मम्मी ने अपना वचन ये है सच्चा वचन, कहते ना सपने में जा जाके ऐसे वचन पूरे करती, ये मेरे से कभी नहीं मिला था। अब बता रहा ये सपने की 1 साल पहले की बात कि मार्च में बुलाऊंगी माँ के रेख चमत्कार। एक बात और है, आज जो जो मैं सोच के आया था वही वही हो रहा है। माता रानी की कसम, मैंने ये सोचा बहुत सारे भजन गाऊंगा, बहुत सारे भजन गाए। मैंने कहा कि माँ मैं लाइव वीडियो में आऊँ, माँ एक मेरी स्पेशल वीडियो बने, मैं तुम्हारे दरबार में जाऊँ, सब मुझे देखे। ये अपने अंदर के भी देख, मैया वैसे ही करवा रही है। सारे मेरे मन की बात पूरी हुई है माँ, पर माँ मेरे ना जीजाजी की बहुत तबीयत खराब है और मेरी दीदी ना घर छोड़ के चली गई है, 2 महीने हो गए। वो लाइव मत बोल ऐसी चीजें, क्योंकि है ना लोग और फिर कल की कुंवारी लड़कियां है ना। बस माँ मैं आपकी कृपा से बड़े बड़े जागरण करूं और आपका नाम रोशन करूं, और माँ मैं आपके दरबार में भी एक बहुत बड़ा जागरण भंडारा करना चाहता हूं। अगर मैं एक कलाकार बन गया तो बनेगा महारानी, महारानी इसको बड़े से बड़ा कलाकार बनाए और इसका नाम का महारानी के नाम से जुड़ के डंका बाजे। तो बोलिए साचे दरबार, जैसे सपने में जाके माँ ने इसको बोला कि मैं बुलाऊंगी मार्च में, और ये फिर ये सोचा कि पिछली मार्च तो नौकरी तो लगी लेकिन बुलाया नहीं, मैया तो झूठी, लेकिन इस मार्च को सच कर दिया। ये दरबार ना झूठा है, ना मैया झूठी है, ना मैं इसकी भक्ति झूठी हूँ, ना इसके भक्त आने वाले झूठे हैं। ये दरबार भी सच्चा, भगत भी झूठा, और इसकी शक्ति भी भक्त भी झूठा। क्या बोल गई मैं क्या, ये दरबार भी सच्चा, ये सॉरी ये ज़्यादा फॉलो फ्लो में हो गया। मैं क्या इसका भगवान, मैं क्या इसका दरबार भी सच्चा, इसके भक्त भी सच्चे, हम भी सच्चे, इसके चुरकुंडे भी सच्चे। भाई पिछली वाली जो लाइन है ना वो काट देना, ठीक है मम्मी सॉरी, ज्यादा हो गया था। बोल काली मैया की जय, बोल बंगाल की दुर्गे की जय, जय दुर्गा मैया की जय, इसके भक्तों की जय, इसके गायकार चुरकुंडे की जय। बहुत सच्ची दरबार की जय।